नमस्कार, विराट की बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हमान प्रियंका। सतना जिला के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में छिबौरा गांव के रहे वाले प्रेमलाल पाल के ऊपर पिछले दिन प्राणघातक हमला किन गया रहा, जो उन गंभीर रूप से घायल हो गए तो उनका संजय गांधी अस्पताल में उपचार खातिर लाए रहे। उपचार के समय उनका निधन हो गया। मृतक के घर वाले बताएं कि पुलिस थाना में शिकायत किन गए रही, जो उन्हें कोनो कार्यवाही नहीं किन गए। यहीं से आरोपी के हौसला बढ़ गया और युवक का अपने घर बुलाए के मारपीट करके ओका मौत के नींद सुबाए दी। ओके बाद संजय गांधी अस्पताल में 2 दिन से मृतक के सब पड़ा रहा, जो उन्हें की पोस्टमार्टम नहीं किए गा। वहीं मृतक के घर वाले आरोप लगाए नहीं कि पहले मारे के धमकी दीन गए रही, जेकर शिकायत थाना में करे रहन। ओके बाद थाना प्रभारी आरोपी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करें, जेके चलते यह हत्या हो गई। हम कुल्हारी से काट डालेंगे, बोले थे पिछले साल। पहले भी आपको धमकी दिए थे? धमकी दिए थे पहले, पिछले साल तो वो काम कर डाले। तो क्या घर में घुस के मारे हैं? नहीं, एक आदमी से बुला के नहीं, बाहर ले आए घर से। किसके थ्रू बुलाया गया था? कोई उसी के रिश्तेदार था, साल रहा था उसका, लालू नाम था, उसके द्वारा बुलाया गया। फोन लगा के बुला के? नहीं, घर से गया है बुला के लाया, दारू पिलाने के चक्कर में। तो इसलिए तो आ गया। मृतक का नाम क्या है? श्री विशेषा प्रसाद पाल। वहीं अगले खबर के बात करी तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एजी कॉलेज तिराहा में स्थापित हनुमान मंदिर का ढहाय दिन गा, जिकर विरोध बढ़ते जात लाग है। घटना के जानकारी के बाद से हिंदू धर्म के लोग भजन कीर्तन के पाठ शुरू कर दिन, जहां रविवार का क्षेत्र के महिला पुरुष पहुंच के कन्या का भोजन कराई और हवन पूजन करके पुण्य के हनुमान मंदिर बनावे के मांग करी। अपना का बताया दी कि 2 दशकन से दक्षिण मुखी हनुमान जी की स्थापना कीन गए रही, जिका प्रशासन बिना बताए रात में गिराए दीस, जिके बाद से विरोध प्रदर्शन जारी है और पुन के मंदिर के स्थापना के मांग की जा लाही। सहयोग से और आम जनमानस के सहयोग से, किसी एक संगठन बस नहीं कि हमारा भजन से ना, सभी हमारी जो विभिन्न संगठन से हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, ये विगत दिनों जिस तरह से बर्बरतापूर्वक रात के आधी रात सोते हुए मंदिर को ढहाया गया था, उस समय मैं जितने भर हमारे मोहल्ले और रीवा के सभी हिंदू भाइयों ने जैसा आज जन आक्रोश। अगली खबर के बात करी थी जहाँ प्रदेश भर में खुले वाले CM राइजिंग स्कूल के खातिर शिक्षकन की भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। ये परीक्षा खातिर रीवा शहर में 2 ठे केंद्र बनाए गए, जेमा पहला मार्टन क्रमांक 2 और दूसरा मार्टन क्रमांक 3 मा 2 पाली में परीक्षा आयोजित किए गए। एकल के विभागीय अधिकारी AK सिंह द्वारा विभागन के निरीक्षण किएगा। यही दौरान नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित स्कूल के प्राचार्य मौजूद रहे। CM राइजिंग स्कूल मा शिक्षकन के भर्ती खातिर पहल पारी के परीक्षा सवेरे 10 बजे से शुरू भय, जौन मार्टन क्रमांक 2 मा संचालित भय, जौन एमा 144 प्रतिभागी मा 119 आए रहे। यह मेर मार्टन क्रमांक 3 में 184 में 133 प्रतिभागी बस पहले पारी में परीक्षा दी। वहीं अपना का बताया दी कि दूसरे पारी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू किए गए। हाँ, टीचरों की परीक्षा रही, कैसा रहा मैडम पेपर? बहुत अच्छा रहा सर। CM राइज परीक्षा ये पहली बार दे रहे हैं आप लोग? जी सर। वहीं अगली खबर की बात करी जहाँ मित्र मंडली फार्मा लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच के आयोजन मॉडल स्कूल में सम्पन्न भा। वैक्सीन डील, फार्मा केयर, लाइफ लाइन सर्जिकल, कृष्णा मेडिकल, आईलेट इंडिया, मैसन मेडिक्राफ्ट भाग लिए रही, जेमा फाइनल मुकाबला लाइफ लाइन सर्जिकल और आईलेट इंडिया के बीच भा, जौने मा लाइफ लाइन अच्छा खेल दिखाई के 122 रन के टारगेट का 15 ओवर के अंतिम गेंद में जीत के ट्रॉफी में कब्जा कर लिए। ये आयोजन में मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज इंदुरकर, डॉक्टर BD त्रिपाठी और डॉक्टर MR पटेल शामिल रहे। अपना को बताए दी कि मित्र मंडली लगातार जन सेवा और मनोरंजन के क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के अपन भूमिका यह में निभाई। यह क्रम में आगे महीना जिनका जरूरत हुई उनका कंबल वितरित किए गए। हमारे मित्र मंडली, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मित्र मंडली पहले भी पूर्व में भी है कि हमारा एक फार्मा परिवार का एक समूह है, जो लगभग 2 साल से हम लोग एक्टिव हुए हैं। एक मंच हमने इकट्ठा किया जहाँ पर हम सिर्फ हम समाज के कई वर्गों की सेवा करते हुए हम पिछले 2 समय से हमने क्रिकेट टूर्नामेंट भी आयोजन करना शुरू किया है। बहुत ही अच्छा उत्साहवर्धक ये एक टूर्नामेंट रखा था, जिसके वो
बधाई के पात्र है। और मैं अंतिम मौके में पैदल में जब मैं आया तो यहाँ पर एक बड़ा ही रोमांचक मैच चल रहा था और इसमें लाइफ लाइन सर्जिकल विजेता रही और हाईलाइट की जो दूसरी जो रनर अप टीम है उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे के समय में भी जब हमारा एक कोविड का जो पोस्ट कोविड पीरियड रहेगा उसमें इसी तरह के आयोजन होते रहेंगे और उससे हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें उत्साह बना रहेगा। वहीं अगली खबर की बात करी तो रीवा जिला के दर्जन भर धान खरीदी केंद्र में जिला प्रशासन के द्वारा चबूतरा निर्माण के कार्य चलत लाग है, लेकिन कार्य के सही तरीका से निगरानी न होए के चलते और पंचायती माफियन और अधिकारियों के मिली भगत से लीपापोती होत लागी, जे में घटिया रेत सामग्री और नाले के रेत से काम करावा जात लाग है। वहीं नियरन एक कचरा खाना बना है, ओकर लागत 5 लाख है, ओहू के हाल चबूतरा जैसे है। ये विषय में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी जिला कलेक्टर और सीईओ से कार्यवाही के मांग करे नहीं। वहीं अपना को बताया दी कि पंचायतन में 7 साल से जमे सरपंच सचिव उपयंत्री सहायक उपयंत्री से मिल के भ्रष्टाचार करत लागा, ओके बाद जिला प्रशासन सब चुपचाप देख रहा है। ऐसे लागत है कि यह सब अधिकारियों के मिली भगत के कारण हो रहा है। यहाँ कोर्ट की स्थिति ये है कि ये बहुत घटिया तरीके का चबूतरा निर्माण हो रहा है। 8.5 लाख रुपये का इसका चबूतरा का है और यहीं पर 2.5 लाख रुपये का कमरे का है कि मतलब जो ऑफिस होगा। इसमें नाले की डस्ट का उपयोग हो रहा है, नाले की बालू है, लाल लाल बालू है, क्रेशर की गिट्टी और डस्ट का उपयोग हो रहा है। वहीं अंतिम खबर की बात करी तो पूरे प्रदेश के साथ साथ रीवा शहर में मंत्री बिसाहू लाल के द्वारा राजपूत और सवर्ण महिलान के खातिर दिन का विवादित बयान के घोर निंदा की गई रही। ये मामला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिन कि अबहिन हम मंत्री बिसाहू लाल का बुलाए के उनकर बयान खातिर सार्वजनिक रूप से माफी मंगवान। वहीं भाजपा के मंत्री और कार्यकर्तन का बता दिया है कि महिलान के सम्मान करा और अपने मर्यादा के पालन करा। माँ बहन बेटी का सम्मान और उनका कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, मेरे लिए सर्वोपरि है। माँ बहन और बेटी हमारे लिए देवी तुल्य है और उनके कल्याण के लिए हम अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह को बुलाया था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। और कोई हो मंत्री कार्यकर्ता अगर इस तरह की भावनाओं का प्रकटीकरण करेगा कि जिससे संदेश भी गलत जाते हैं तो हम क्षमा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को भी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। ऐसे बघेली में समाचार देखे खातिर देखत रही बघेली बुलेटिन।